अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस का कहना है 100 करोड़ का हुआ घोटाला, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। धरने के बाद कार्यकर्ता व परिवादी विरोधी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट में पहुंचे और जिला कलेक्टर को घोटाले से जुड़ी FIR की 2000 प्रीतियां सौंपी। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी, यदि अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामपा शर्मा ने कहा कि महिला कोऑपरेटिव बैंक में भाजपा सरकार के दौरान करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक घोटाला हुआ था, जिसके कारण कई लोगों के रुपए डूब गए और वह आज इधर से उधर अपने रुपए लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह से 25,000 लोग उसके मेंबर थे, उनमें से लगभग 60 करोड़ की जो जमाएं हैं प्लस 25,000 लोगों का जो हिस्सा राशि है, उस राशि को हड़पने का जो प्रयास किया गया या हड़प ली गई है मैं समझता हूँ, उसके लिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जांच की, जांच में जो जो भी लोग दोषी पाए गए उस बोर्ड के कर्मचारी उन सबकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दे दी है। और हमने सरकार से मांग की है कि सरकार इतनी उदारवादी, महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति वो अगर समर्पित है तो इस बैंक को तत्काल 50 करोड़ रुपए का अनुदान दे या इस बैंक को कोई ऋण के रूप में दे के इन लोगों का पैसा चुकाया जाए, ताकि ये महिलाएं जो तकलीफ पा रही है इस भीलवाड़ा शहर में और जिन लोगों ने घपला किया है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमने आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार से मांग की है। ऐसा है, ये इसलिए दी गई है कि जब बैंक का बोर्ड था जिसने घोटाला किया और उसके बाद यह प्रशासक लग गया और ईमानदार अफसरों ने जब इस बैंक में जो संपत्तियां थी उसको सीज करके नीलामी करने की कार्रवाई की, तो तत्काल प्रभाव से हमारे यहाँ के जो विधायक है विठल शंकर जी अवस्थी, सांसद और गुलाबचंद कटारिया ने इसके चुनाव घोषित करवाए। चुनाव कराकर उस बोर्ड का केवल चेहरा बदला, उसी भाजपा समर्थित लोगों का बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड को जब पुनः जो बोर्ड आके जो गलत काम करने का प्रयास कर रहा था उसको रोकने का काम जो कोऑपरेटिव के अधिकारियों ने किया, उन अधिकारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और बोर्ड जब जॉइंट रजिस्ट्रार ने जब इस बोर्ड को भी भंग करने की सिफारिश की तो सम्माननीय विधायक महोदय मंत्री जी से मिले और इस बोर्ड को बरकरार रखने की जो बात कही गई है और गृह मंत्री द्वारा जिस तरह से 50 FIRों को दर्ज होने वाले गिरफ्तारी को रोक की गई और SOG में मंगाई गई है, इससे साफ होता है कि जो ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार के मंत्री और विधायक भी शामिल है। अगर वो शामिल नहीं होते तो ये तत्काल रूप से गिरफ्तार होते और धारा 57 की कार्रवाई होकर इनकी सारी संपत्तियाँ नीलाम होती, लेकिन ये सारी कार्रवाई रोक रखी है और इनको बचाया जा रहा है और इसमें आज तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो सका। अगली कार्रवाई ये होगी कि ये जितने भी लोग हैं इन लोगों के साथ हम खड़े हैं, इनकी जो कानूनी कार्रवाई होगी हम निःशुल्क कराएंगे। हमारे सुरेश जी श्रीमाली जो वरिष्ठ वकील है वो और 50 वकील इस काम को देख रहे हैं, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है, वो निःशुल्क रूप से इन लोगों की मदद करेंगे और उस मदद के साथ साथ इन लोगों को पैसा दिलाने का हमारा आखिरी तक प्रयास रहेगा। और अगर ये सरकार इनको पैसा नहीं दे सकी, तो आने वाली सरकार हमारी होगी और हम इनको पैसा चुकाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस 4 महीने में अगर इसी महीने में कोई ठीक रूप से इन्होंने काम नहीं किया और जो जो हमने शर्तें लिखी और शर्तों की पालना नहीं की, तो इसमें जिस हद तक हम जा सकते हैं उस हद तक जाके